होली का त्योहार देश भर में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। कई दिन पहले ही जहां एक ओर बाजारों में रंगों का बहार देखने को मिलने लगती है, वहीं लोग खूब जोश में दिखते हैं। होली का त्योहार है ही ऐसा, इसे प्यार का त्योहार भी बोला जाता है। इस दिन आपस में खूब प्यार देखने को मिलता है। बिहार में तो कई दिन पहले से ही लोगों में होली नशा चढ़ जाता है, ऐसा नशा कि पूछिए मत। साथ में खूब मौज मस्ती भी होती है। ऐसे में होली को लेकर आपके मन में कई तरह तरह के सवाल भी आते होंगे, जिससे एक सवाल ये भी होगा आपके मन में कि आखिर होली की शुरुआत कैसे और कहां पर हुई। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर होली की शुरुआत कहां हुई थी। दरअसल होली की शुरुआत बिहार के पूर्णिया के बनमनखी में हुई थी, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद है। और मान्यता है कि पूर्णिया जिले के बनमनखी के सिकलीगढ़ धड़हरा गांव में ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर राक्षस राज हिरण्यकश्यप का वध किया था। यहीं पर भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस राज और हिरण्यकश्यप के निर्देश पर उनकी बहन होलिका ने विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाकर मारने का प्रयास किया था, लेकिन आग में राक्षसी होलिका ही जलकर खाक हो गई थी। और इस कारण पूरे देश में तब से होली के मौके पर होलिका दहन महोत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी के धड़हरा गांव में पहली होली खेली गई थी। ऐसा कहा भी जाता है कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए इसी जगह भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का संध्या बीला में वध किया था। तभी से ही होली की परंपरा की शुरुआत हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन वहां आए श्रद्धालु राख और मिट्टी से होली जरूर खेलते हैं। पूर्णिया के इस देवस्थल में आज भी एक मोटा सा पत्थर का स्तंभ है। लोगों का कहना है कि इसी पत्थर से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह का आधा शरीर मानव का था और आधा शरीर शेर का था। बता दें कि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह ना दिन में मरेगा और ना ही रात में मरेगा, ना जमीन पर और ना आसमान में मरेगा, ना उन्हें देवता मार पाएंगे और ना ही दानव। मान्यता के अनुसार इसी जगह भगवान नरसिंह ने अपने बड़ी बड़ी नाखून से संध्या बेला में अपने घुटने पर राक्षस राज हिरण्यकश्यप का वध किया था। और साथ ही पूर्णिया के पंडित जी का कहना है कि इस बार हम लोग 7 मार्च को होलिका दहन और साथ ही 8 मार्च को होली मनाएंगे खूब धूमधाम से। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि होलिका दहन के लिए शुभ समय रात्रि के 9 बजे से 11 बजे तक का होगा और जो दक्षिण दिशा में कर सकते हैं वही अगले सुबह 8 मार्च को रंगोत्सव यानी कि होली पर्व मनाई जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।